हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ कॉमिक बुक का है और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई स्टोरी। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ये स्टोरी है बैटमैन के बेटे यानी डेमियन वेन के बारे में। मैं आज गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि बैटमैन अपने बेटे से पहली बार कैसे मिला, डेमियन वेन यानी बैटमैन के बेटे का जन्म कैसे हुआ और वो सुपर हीरो कैसे बना। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कमाल की स्टोरीज मिलती रहेंगी। और दोस्तों, मल्टीवर्स सीरीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे वो पहले चल रही थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। हमारी स्टोरी शुरू होती है जब डालिया अल गुल यानी रेज अल गुल की बेटी, जो कि बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने एक दिन बैटमैन को नशे की गोली खिलाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और चालाकी से उसका डीएनए पा लिया। और उसने उस डीएनए की मदद से एक लेबोरेटरी में बैटमैन और अपने डीएनए को मिलाकर बहुत सारे बच्चों को आर्टिफिशियली जन्म दिया। पर इनमें से ज़्यादातर बच्चों में कोई ना कोई कमी थी। पर आखिरकार एक बच्चा बिल्कुल परफेक्ट पैदा हुआ और उसका नाम डालिया ने डेमियन वेन रखा। उसके जन्म के बाद से ही उसे इस तरह से पाला गया कि वो बड़ा होकर एक किलर और एक असैसिन बन सके। ये सब हुआ रेज़ अल गुल की लीग ऑफ असैसिन में। पर एक चीज़ का जवाब उसे कभी नहीं मिला कि उसके पिता कौन है। आखिरकार जब वो 10 साल का हुआ, डालिया उसे बताने के लिए तैयार हो ही गई। एक दिन गौतम शहर में ब्रूस वेन जब एक पार्टी में गया होता है, डालिया अपने मैनबैट की आर्मी के साथ उस पार्टी पर अटैक कर देती है और ब्रूस बैटमैन बनने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि बैटमैन काफ़ी सारे मैनबैट को संभाल लेता है, पर आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं पर मारते नहीं। तो बैटमैन भी समझ जाता है कि वो उसे जिंदा चाहते हैं और आखिरकार डालिया एक बच्चे के साथ बैटमैन के पास आती है। और डेमियन और बैटमैन एक दूसरे से मिलते हैं। डालिया बैटमैन को डेमियन के पैदा होने के बारे में बताती है। डालिया बैटमैन से बोलती है कि डेमियन हमेशा से ही बहुत टैलेंटेड है, पर अब उसके स्किल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लीग ऑफ असैसिन उसके लिए काफ़ी नहीं है और उसे एक पिता के गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो डेमियन को बैटमैन के पास छोड़कर चली जाती है। बैटमैन ने अभी तक ये नहीं माना है कि वो उसी का बेटा है, पर डालिया के पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है। बैटमैन उसे अपने घर ले जाता है, पर डेमियन लीग ऑफ असैसिन में पला है और उसे तमीज़ और नॉर्मल सोसाइटी में रहना नहीं आता। वो अपने पिता को टैश करना चाहता है, हालांकि बैटमैन उसे इस चीज़ का मौका नहीं देता और उसे रोक लेता है। बैटमैन उसे सोने के लिए भेज देता है, पर डेमियन रातों घर से निकल जाता है ताकि वो अपने पिता को प्रूव कर सके कि वो उन्हीं का बेटा है और जुर्म से लड़ सकता है। जब वो घर वापस आता है, टिम ड्रेक उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो बोलता है कि अब बैटमैन का असली बेटा आ गया है और बैटमैन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो अपने बैग से कटा हुआ सेन निकालता है और टिम बोलता है, तुमने ये क्या किया। डेमियन बोलता है, लीग ऑफ असैसिन का यही तरीका है। रॉबिन घबरा जाता है और उससे पूछता है, तुमने घर से निकलने के लिए एल्फ्रेड के साथ क्या किया। वो बोलता है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, पर असल में एल्फ्रेड बिल्कुल ठीक होता है। वो लड़ते लड़ते फिसल जाता है और बैटमैन के डायनासोर वाले स्टैचू के मुंह में आने ही वाला होता है, पर रॉबिन उसे बचा लेता है और बदले में डेमियन उसे बहुत जोर के घूंसा मारता है और बोलता है कि ये सब मेरा है। और रॉबिन गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जेसन टॉड के एक पुरानी कॉस्ट्यूम लेकर बैटमैन के पास जाता है और बोलता है कि अब रॉबिन चला गया, अब मैं रॉबिन हूँ। बैटमैन डेमियन पर बहुत गुस्सा होता है और वो जाकर टिम ड्रेक को बचाता है और उसे मेडिकल हेल्प देता है। फिर बैटमैन डेमियन को अपने साथ एक मिशन पर लेकर जाता है, क्योंकि डालिया ने बैटमैन पर अटैक के टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को किडनैप कर लिया था। और बैटमैन डेमियन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसकी बात मानने के लिए बोलता है, जिसके लिए डेमियन मान जाता है। बैटमैन और डेमियन वहां पहुंचकर आखिर मैनबैट की आर्मी को रोक लेते हैं। डालिया गुस्सा होने के बजाय बोलती है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, और वो डेमियन को बैटमैन को वहां लाने के लिए थैंक्स बोलती है। वो बैटमैन को उसका साथ देने के लिए बोलती है, जिसके लिए बैटमैन मना कर देता है। फिर डालिया डेमियन को उसके और बैटमैन के बीच में चुनने के लिए बोलती है। डेमियन बोलता है, पर हम क्या सब साथ नहीं रह सकते। डालिया अपना प्लान फॉलो करते हुए एक ब्लास्ट करती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो डेमियन को अपने साथ लेकर चली जाती है और बैटमैन भी उन्हें नहीं रोकता। ये थी दोस्तों बैटमैन और डेमियन की पहली मुलाकात। आगे भी बहुत बार बैटमैन और डेमियन मिलते हैं। डीसी के फाइनल क्राइसिस इवेंट के दौरान, जब सबको लगता है कि बैटमैन मर चुका है, डिक ग्रेसन यानी कि पहला रॉबिन, जो कि अब नाइटविंग के नाम से जाना जाता है, उसे एल्फ्रेड बैटमैन का नाम लेने के लिए बोलता है। डेमियन इस दौरान एल्फ्रेड के साथ ही रहता है। डिक ग्रेसन बैटमैन की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो खुद को बैटमैन के नाम के काबिल नहीं समझता। वो खुद को बैटमैन और डेमियन को रॉबिन के रूप में नहीं देखना चाहता। पर इसी बीच जेसन टॉड, जो कि दूसरा रॉबिन था, वो सिर्फ खुद को बैटमैन के नाम के काबिल समझता है और इसी वजह से डेमियन, डिक और जेसन में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें डेमियन और डिक ग्रेसन की जीत होती है। और आखिरकार डिक ग्रेसन फैसला करता है कि दुनिया को एक बैटमैन की ज़रूरत है और वो बैटमैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो अभी भी बैटमैन के नाम के काबिल खुद को नहीं समझता, पर वो जानता है दुनिया में एक बैटमैन की ज़रूरत है। इसके बाद टिम ड्रेक, जो कि स्टोरी की शुरुआत में रॉबिन था, वो भी आगे निकलकर अकेले काम करने का फैसला कर लेता है और डेमियन भी अब बैटमैन के रास्तों को समझने लग जाता है।
और अब वो रॉबिन बनने के लिए खुद को साबित कर चुका है। और अब डिक ग्रेसन बैटमैन और डेमिन विन रॉबिन के नाम को लेकर बैटमैन के असूलों के हिसाब से जुर्म से लड़ने लग जाते हैं। दोस्तों बैटमैन आगे की स्टोरीज में वापस आ जाता है और जुर्म से लड़ता है। इस चीज पर वीडियो में फिर कभी बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं पहली बार ड्रैगन बॉल के अलावा कोई स्टोरी कर रहा हूँ, तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।